गुड आफ्टरनून गाइज, होप यू हैव ए नाइस डे एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो इन द लास्ट वीडियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी आई डिस्कस्ड अबाउट द क्वाइन एंड आई डिस्कस्ड अबाउट द डाई। सो वन थिंग आई वुड लाइक टू रिमाइंड हियर दैट द प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू वन। मीन्स probability can never be less than 0, can never be negative and can never be more than 1. probability hamesha 0 ke 1 ke beech mein hoga, 0 se negative kabhi nahi hoga aur 1 se zyada bhi kabhi nahi hoga. so isko aap log dhyan mein rakhein. so, yeah, next thing I will discuss about the cards. so there are in the card there are total number of cards available is 52 cards. yeah, and out of that 52 cards is divided into 4 suits of the card, 4 suits of 13, each will be considered 13, equal number 13, 13, 13 and 13. now we need to know what is these suits. so these are like spades, clubs, heart and diamond. so these are the spades and clubs are in the black color, heart and diamond in the red color. तो total 52 color हैं, इसमें से 4 suits 52 card हैं, 52 card को 4 suits में divide किया गया है, हर एक suits equal number में divide हैं, 13 spades के लिए, 13 club के लिए, 13 हर्ट के लिए, 13 डायमंड के लिए, 13 डायमंड के लिए. और ये स्पेड्स एंड क्लब्स ब्लैक कलर में हैं एंड हर्ट और डायमंड रेड कलर में हैं. नाउ नेक्स्ट कम्स टू द इच कार्ड, इच सूट्स कंसिस्ट ऑफ 13, राइट? सो वी नीड टू नो व्हाट आर दैट 13 कार्ड्स, किंग, जैक, क्वीन, एस. Again, the numbers start like 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, and 2. So each space or each suits consists of these 13 cards. Each suits, space, clubs, heart, and diamond. All these things, all these 4 suits having these cards. Now you have to remember this king, jack, queen, and ace score. Now the king, jack, queen is also called a face card. इसको फेस कार्ड भी बोलते हैं, ये इसको याद रखना जरूरी है. हाँ, इसको हिंदी में एक बार और, जितने भी कार्ड हैं यहाँ पर, स्पेड्स, क्लब्स, हर्ट एंड डायमंड, सबों को डिवाइड किया गया है 13 कार्ड में. तो 13 कार्ड का नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको किंग, जैक, क्वीन, एस, बाकी ये सब नंबर इसमें, ये 13 कार्ड होते हैं हर एक में. इसमें फिर किंग, जैक, क्वीन को फेस कार्ड भी बोलते हैं. नीड टू रिमेंबर, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है. ये बेसिक थिंग्स है किसी भी प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए. यू हैव टू नो दिस थिंग्स अबाउट द कार्ड, देन यू कैन अप्रोच एनी क्वेश्चंस इफ अबाउट द इन द प्रोबेबिलिटी अबाउट दिस कार्ड्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. What is the probability of getting red card? Probability of getting red card. If a card is drawn from a pack, एक कार्ड अगर ड्रॉ करते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि वो रेड कार्ड हो. अब हमने बताया है रेड कार्ड कितने हैं, हर्ट एंड डायमंड, सबको 13-13 कार्ड में डिवाइड किया गया था नंबर. यहाँ फेवरेबल इवेंट क्या है, इवेंट है गेटिंग रेड कार्ड. सो रेड कार्ड कितना है, 13 + 13 तो 26, तो नंबर ऑफ रेड कार्ड 26. यही मेरा इवेंट, यही है इवेंट है मेरा, नंबर ऑफ ई से इवेंट लिखे हैं, नंबर ऑफ रेड कार्ड, ये नंबर ऑफ गेटिंग रेड कार्ड, सो 26. टोटल कार्ड कितने हैं, 52. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड 26/52 इज हाफ. ये हो गया प्रोबेबिलिटी. नाउ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस, एस कार्ड कितने हैं, एस कार्ड एक सूट्स में एक है, राइट?
वन सूट्स, इच सूट्स हैविंग वन एस कार्ड, सो देर आर टोटल फोर सूट्स राइट, वन टू थ्री एंड फोर, सो इच सूट्स विल हैव वन एस कार्ड, सो टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड्स विल बी फोर. अगेन हियर इवेंट इज द नंबर ऑफ गेटिंग एस कार्ड, सो या इवेंट तो टोटल फोर, फोर बाय 52 बिकॉज हैविंग टोटल 52 कार्ड्स, सो द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विल बी 52, सो 4 बाय 52, 1 बाय 13, सो एस कार्ड हो गया, समझ में आ गया एस कार्ड क्या है, फेस कार्ड, किंग, जैक, क्वीन, सबों को याद रखने की जरूरत है. नाउ नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फेस कार्ड. फेस कार्ड अब हम डिस्कस किए हैं, फेस कार्ड, इच सूट्स हैविंग द फेस कार्ड, सो किंग, जैक एंड क्वीन इज कॉल्ड एट द फेस कार्ड, सो हाउ मेनी, वन सूट हैविंग थ्री फेस कार्ड, हर एक सूट में तीन फेस कार्ड है, सो नाउ यू हैव टू थिंक हाउ मेनी सूट्स, फोर सूट्स, वन टू थ्री एंड फोर, इच दीज सूट्स विल हैव वन टू हैव दिस थ्री थ्री थ्री, थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री, सो टोटल थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स प्लस थ्री नाइन, नाइन प्लस थ्री फोर, सो व्हाट आई हैव डन हियर, द नंबर ऑफ फेस कार्ड हियर आई व्हाट आई हैव डन, किंग, क्वीन एंड जैक, दिस इज द थ्री कार्ड एंड फोर इज द नंबर ऑफ सूट्स, द टोटल हैविंग इन ईच सूट्स राइट दिस कार्ड्स, सो टोटल विल बी 12, ये तीन कार्ड हर एक सूट्स में है राइट, हर एक सूट्स में है, तो सबको हम चार से गुना कर दें, या आप ऐसा भी कर सकते हो तीन प्लस तीन प्लस तीन, चार बार लिखो तो 12 ही होगा, फोर सूट, तो ये हो गया नंबर ऑफ फेस कार्ड, यही मेरा प्रोबेबिलिटी गेटिंग करना है, तो नंबर ऑफ फेस कार्ड 12 डिवाइडेड बाय कितना कार्ड है 52, इसको डिवाइड सॉल्व करोगे आप तो 3 बाय 13 आएगा, इफ यू सॉल्व दिस 12 बाय 3 बाय 13, सो दिस इज अबाउट द कार्ड्स, यू मस्ट रिमेंबर द बेसिक्स ऑफ दिस थिंग्स, बेसिक्स ऑफ दिस कार्ड, यू मस्ट रिमेंबर फोर सूट्स, you have to remember this space, clubs, heart and diamond, need to remember, you have to, I will suggest better to remember this number as well, so that it will help you, there may be questions, what is the probability of getting the heart card, so if you don't remember, you cannot answer, right, so isko aapko yaad rakhne ki jarurat hai, these are the basic things, with these basic things, you can approach any questions related to, in cards, इन द प्रोबेबिलिटी, आपको ये याद रखने की ज़रूरत है, अगर आपको ये याद रहेगा तो आप किसी भी क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी में, तो कार्ड्स के बारे में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फर्दर वीडियोज में हम आई विल ब्रिंग सम मोर क्वेश्चंस, मोर टफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी इन द कॉइन सेक्शन, इन द डाई सेक्शन एज वेल एज इन द कार्ड सेक्शन, सो एंड इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी डू कमेंट योर क्वेश्चंस, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस whenever आई गेट द टाइम, थैंक यू गाइज एंड थैंक यू फॉर द टाइम, होप एवरीवन हैव अ नाइस डे.